गाडरवारा नगर में वाल्मीकि समाज के द्वारा रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। सर्वप्रथम वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना की गई। भाजपा नेता गौतम सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा राव, उदय प्रताप सिंह, रितेश राय वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक ने वाल्मीकि समाज पर अपने विचार रखे। वाल्मीकि समाज के द्वारा गणमान्य नागरिक एवं पार्षदों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयोजक राव उदय प्रताप सिंह एवं पत्रकार संजय गुप्ता का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वाल्मीकि समाज के द्वारा बहुत लंबे समय से मंगल भवन की मांग की जा रही थी। इस शुभ अवसर पर उपाध्यक्ष वैशाली रितेश राय के द्वारा नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह के आदेश से 5 लाख रुपए की लागत से मंगल भवन बनने की घोषणा रितेश राय के द्वारा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा जी के द्वारा यह कार्य कराया जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोगों में मंगल भवन बनने की घोषणा को लेकर बड़ा हर्ष और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। हमारी समाज का भी मंगल भवन होना चाहिए। इसी क्रम में आज मेरी इस होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित सांसद आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी से चर्चा हुई। उसके दौरान उन्होंने आपकी समाज के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की है, के लिए बहुत बढ़िया भवन उपलब्ध कराएंगे। और आज इस कार्यक्रम में आपने हम सबको बुलाया, इसके लिए गाडरवारा में वाल्मीकि समाज के द्वारा वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयोजक क्या कहेंगे इस पर आप? वाल्मीकि समाज का उत्साह देखने योग्य है। आज वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव है, सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूरे देश के लिए, सनातनियों के लिए ऐसी वाल्मीकि जी का बड़ा योगदान है। आज राम जी की जो बाधा हम सभी लाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें ऐसी वाल्मीकि जी का ही योगदान है। जिनके द्वारा ही उनके द्वारा लिखी गई कथाएं आज हम पढ़ते हैं, उनके द्वारा लिखा गया ध्यान पढ़ लिखा आज हम वाचन करते हैं। समाज के लिए सनातनियों के लिए ऐसी वाल्मीकि जी गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।